आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि BSOBC 2024 का ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट हमें कैसे पता चलेगा। सो फाइनली मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। इस वीडियो के तीन पार्ट आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो प्लीज आपसे निवेदन है कि लगभग 24 घंटे 12 घंटे में मैं तीनों पार्ट दे दूंगा। सेकेंड राउंड आने से पहले मैं तीनों पार्ट आपको दे दूंगा। तो आज पहला पार्ट है, शाम तक सेकेंड पार्ट दे दूंगा और कल मैं थर्ड पार्ट दे दूंगा। प्लीज मैं जो लिखा हूं उसको सही तब माना जाए जब मैं उसमें बोल के समझाऊं, क्योंकि ये समझ पाना इतना आसान भी नहीं है। BHU में जब कोई सीट दी जाती है तो उसपे कितने सारे एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। रिजर्व कैटेगरी है, गर्ल्स कैटेगरी है, स्पेशल कोटा भी है, BHU कोटा भी है, फिर उसके बाद पेड सीट भी है, रेगुलर भी है, मतलब इतना सारा कहानी है। तो आप इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे, इसलिए बोल रहा हूं कि बस इसको देखना बड़ी खुशी नहीं है, मैं जो बोलूं समझाऊं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना, क्योंकि मैं आपको इस कटाव के घटने की पॉसिबिलिटी बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कटाव आगे किस तरीके से आ सकता है आने वाले राउंड्स में। सो प्लीज आपसे निवेदन है कि मैं जो बोलूं उसको ही सत्य माना जाए, जो लिखा हूं इसको समझाने के बाद, ठीक है। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, पहले सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं इस टाइप के वीडियो देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आपके लिए लगातार वीडियो पे काम कर रहा हूँ, आज मैं 3 बजे रात तक आपके लिए वीडियो बनाया हूँ। फिर पर डे का यही रूल है, लगभग रिप्लाई करने में 5-5, 6-6 घंटे चले जा रहे हैं। तो अपनी तरफ से मैं पूरा 100% दे रहा हूं कि आप भी मुझे सपोर्ट करोगे। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो इतनी बकवास नहीं करता। मुझे पता है कि आप थोड़ा सा इरिटेट हो रहे होगे, लेकिन आपसे भी निवेदन है कि बस सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जरूर लाइक करना है। बाकी आप भर के अपना कॉमेंट डालो और आप मेरे इंस्टा आईडी मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और देता भी रहूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं समझा देता हूं जिसको आपको समझना जरूरी है। पहली बात तो जिसको भी गया हुआ है अलोकेशन, ठीक है, तो वो सभी बच्चे जो हैं एक्सेप्ट जरूर कर लें, ठीक है। कोर्स अलोकेशन जितने लोग को भी गया है वो एक्सेप्ट जरूर करें। अगर आप कोर्स अलोकेशन मिस कर दोगे तो दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा, फिर एक ही चांस मिल सकता है और वो है मॉपअप राउंड में, ठीक है। मॉपअप के पहले फिर आपको एडमिशन की पॉसिबिलिटीज नहीं मिलेगी। मॉपअप का अलग से रजिस्ट्रेशन होता है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो पेमेंट डेडलाइन रखी गई है, ध्यान देना कि फर्स्ट राउंड का जो पेमेंट डेडलाइन रखी गई है वो 15 जून रखी गई है, ठीक है, ना कि 15 जून से स्टार्ट होना है, 15 जून तक एंडिंग डेट है। तो अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई आज रात तक हो जाएगा, कल से फाइनली, ठीक है, कल से आप पेमेंट भी कर पाओगे। ध्यान देना कल जरूरी नहीं है, आज से भी कुछ कोर्सेज में पेमेंट जा सकता है। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब आइए हम लोग सीधे कट ऑफ पे आ जाते हैं। हाँ, जनरल EWS OBC SC ST यहां पे रेगुलर पेड एफिलेटेड मैं हटा दिया हूं, ये मैं बोल के समझाऊंगा तब आप समझ लेना, ठीक है। बेसिकली ये DMC का है, यानी कि ये कट ऑफ अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। ध्यान देना ये मैं सबसे हाईएस्ट कट ऑफ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि कहीं ना कहीं अपने एफिलेटेड कॉलेजेस में कम गया होगा, जो कि मैं आपको बोल के समझाऊंगा, ठीक है। साइकोलॉजी बहुत ज्यादा डिमांडिंग था, बच्चे बार बार पूछ रहे थे। जनरल के लिए 254, EWS के लिए 231, OBC के लिए 238, SC के लिए 228 और 231। ध्यान देना ये जो कट ऑफ है अभी DMC में रन करना है, कम से कम इससे 10-10 नंबर कम एफिलेटेड में रन करने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज इससे 10 से 15 नंबर कम वाले बच्चे जो भी हैं, ऊपर के 3 जनरल, EWS, OBC, बाकी इधर तो कम से कम 20-20 नंबर कम जो है वो जाके अपना पोर्टल चेक करें, वो अपने पोर्टल पे कोर्स अलोकेशन जरूर देख पाएंगे। अगर नहीं नजर आ रहा है तो नेक्स्ट राउंड में नजर आ जाएगा कम करने के बाद, इतने में तो नजर आएगा, कम करने के बाद नहीं नजर आ रहा है तो नेक्स्ट राउंड में नजर आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एडमिशन की पॉसिबिलिटी इस नंबर से लगभग 20-30 नंबर पे भी कम पे भी है, ठीक है। हिंदी का DMC का ही है, 214 जनरल का है, ध्यान देना 214 जनरल का है, एफिलेटेड में जनरल और कम गया होगा, लगभग 15-20 नंबर आप कम कर देना। 165 तक पे भी एडमिशन सुनने में मिला है एफिलेटेड में, ठीक है, इसीलिए प्लीज अपना पोर्टल जाके आप चेक करें। 199 EWS, 194 OBC, 158 SC और 115 ST, ये जो मार्क्स है DMC का, यानी कि मेन डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस का, ये मार्क्स कहीं ना कहीं एफिलेटेड में कम हुआ होगा। और उतना ही नहीं, ये मार्क्स
रेगुलर का है पेड में और भी कम हुआ होगा, एफएमसी में भी कम से कम 5-5 नंबर कम हुआ होगा, तो प्लीज आप जाके अपना चेक कर लीजिए। माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे डाउट थे, कल मैं किसी का पिक आउट किया था कॉमेंट, उसी बेसिस बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा वो परेशान करके कोई था मेरे को पूछ रहा था, तो उन्हीं के लिए है। जनरल 236, EWS 225, 215 OBC, 218 SC और 219 ST, ठीक है। ये कटाव बहुत ऊपर है, इस कटाव में नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ये कोर्स ज्यादा अवेलेबल नहीं है, सीटें भी लिमिटेड है, तो इसमें जो घटेगा सेकेंड राउंड में, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी के साथ नहीं घटेगा, लेकिन घटेगा, एकदम होप नहीं खोना है। जब तक थर्ड राउंड नहीं आता है तब तक कोई होप नहीं खोएगा, मैं आपके लिए हमेशा डिस्कशन करता रहूंगा कटाव कितना डाउन जा रहा है। ज्योग्राफी डीएमसी का है 168, अपने आप में काफी कम गया। देखो ध्यान देना, जब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी जो है आर्ट्स में भी आता है, साइंस में भी आता है, तो ये कटाव लगभग इस मास पे जाके आपको अपना पोर्टल चेक करना है, क्योंकि ये सियोरिटी नहीं करता हूं मैं कि आर्ट्स वाला है कि साइंस वाला, क्योंकि कटाव दोनों के थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं। तो 168 जनरल, 146 EWS, 153 OBC, 116 SC और 105 ST, ठीक है। ये इंग्लिश का है, डीएमसी का है, जबकि ये इंग्लिश जो है 66 तक लगभग गया हुआ है, एफिलेटेड में 66 तक चला गया, इधर कहीं एससी एसटी में 66 नंबर, 66 नंबर तक चला गया, तो प्लीज जाकर अपना पोर्टल चेक करें। 147 जनरल, 127 EWS, 125 OBC, 101 SC और यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ही लिखा हुआ था, एक मिनट में कंफर्म कर देता हूँ, प्लीज प्लीज थोड़ा समय दो मुझे, इंग्लिश का 66 सही है, देखो यहीं पे 66 चला गया, बाकी एफिलेटेड का और कम गया हुआ है, एफिलेटेड का 29 नंबर AMPG में गया हुआ है, ST का 29 और DAV में 65 नंबर गया हुआ है ST का, ठीक है, 65 नंबर। LLB बहुत ज्यादा डिमांडिंग था, ध्यान देना LLB पे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। ये तो कटाव आपका जनरल है 211, अपने आप में काफी हाई है, 200 EWS, 194 OBC, 176 SC और 174 ST, ठीक है, ये तो मार्क्स आप देख लिए जो कि फर्स्ट राउंड का कटाव है, अपने आप में बहुत हाई है। ये कटाव घटेगा 10 के रेशियो में, 10 नंबर के रेशियो में राउंड वाइज घटेगा, अभी ये कटाव 10 नंबर इससे नीचे जो है वो सेकंड राउंड में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखें, बाकी जगहों पे 20-20 नंबर भी घट सकता है, इसमें 10 नंबर इसलिए घटेगा क्योंकि इसमें फी पेमेंट का रेशियो ठीक ठाक आ जाता है, 60% के आसपास ये लोग फी पेमेंट पाएंगे जहां तक मुझे लगता है, बाकी ये मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि कितनी रिसीविंग आई है LLB के फी पेमेंट में, ठीक है। MCOM कहीं ना कहीं बड़ा डिमांडिंग था, बच्चे बहुत ज्यादा है इसमें, 146 जनरल, 123 जो है वो आपका EWS, 122 OBC, 100 नंबर SC और 75 नंबर ST, ये DMC का है, ध्यान देना ये कटाव 129 तक नीचे गिरा है, एफिलेटेड में 100 के नीचे गिरा हुआ है कैटेगरी वाइज, तो प्लीज जाके अपना पोर्टल चेक करें ये, क्योंकि एफिलेटेड में कटाव सीटें, जैसे देखो होता क्या ना, जितनी मैं कटाव डिस्कस किया इसको मैं यहां पर समझा देता हूं, एक और सुन लो फिर उसका समझाता हूं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस डीएमसी का ये जनरल 226, EWS 217, OBC 207, SC 180 और 165 ST, ठीक है, ये DMC का है, ये कम से कम 20 नंबर कम करके एफिलेटेड में गया होगा, प्लीज अपना पोर्टल चेक करें, ये जितनी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं एफिलेटेड के लिए, अगर नहीं आया तो पैनिक मत होना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा प्रॉपर वे में डिस्कस करूंगा, और जो थर्ड पार्ट लाऊंगा उसमें प्रॉपर वे में डिस्कस करूंगा, तो पार्ट वन पार्ट टू में इसलिए दे रहा हूं मैं क्योंकि एक ही पार्ट में पूरा डिस्कस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो पार्ट वन पार्ट टू, पार्ट वन हो गया, पार्ट टू पार्ट थ्री, ये इस बेसिस पे मैं दूंगा, आप मुझे कमेंट करो कि अब पार्ट टू और पार्ट थ्री में ये सब मुझे कोर्सेज के कमेंट टॉप पे नजर आ गए थे तो मैंने दे दिया, अभी आप इस वीडियो में कमेंट करो कि आपको और किसके किसके कटाव चाहिए, क्योंकि अभी देखो 15 लगभग दो दिन है मेरे पास, दो दिन में मैं आराम से दे दूंगा, जब तक सेकंड राउंड नहीं आएगा तब तक आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर तक पॉसिबिलिटीज है, बाकी मैं लाइव डिस्कशन करने बैठूंगा तो वहां पर डिस्कस करूंगा प्रॉपर में कितना कटाव घट सकता है, ठीक है, तो मेरे सेशन जरूर ज्वाइन करें, लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो अगर आपको ये आगे के पार्ट देखने हैं तो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये बता रहा था कि लड़कियों के लिए BHU में 4 एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, ये MMB भी है, मान लो MMB में पूरे कोर्सेज नहीं है लेकिन MMB भी है, ठीक है। अब ये जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं स्पेशल लड़कियों के लिए है, तो कहीं ना कहीं ये लड़कियों के लिए कटाव घटेंगे, बॉयज के लिए कटाव के घटने के जो रेशियो है बहुत कम होंगे, अगर बॉयज के लिए 10 नंबर घटता है किसी कोर्स में तो लड़कियों के लिए कम से कम 25 से 30 नंबर कटाव नीचे डाउन हो सकता है,
इसीलिए आप देख रहे होंगे कि होम साइंस में 50 नंबर पे एडमिशन हो रहा है, एमकॉम 50 नंबर पे एडमिशन हो रहा है, फिलोसफी में 50 नंबर पे भी एडमिशन हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लड़कियों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग एडमिशन करा। कल मेरे को कॉल आया कि सर आपकी वजह से मेरी जिंदगी बच गई। मैं कहा किस सेंस में भाई, कैसे जिंदगी बच गई, आप अपने मेहनत से पास हुए हो। नहीं सर, नवंबर में घर वाले मेरी शादी करने जा रहे थे, उस लड़की का नवंबर में लोग शादी करने जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एडमिशन हो जाता है और वो ये क्रेडिट दे रही थी कि सर आपकी वजह से मेरा एडमिशन हो गया, नहीं तो नवंबर में मेरी शादी कर देते, कम से कम अब मुझे 2 साल का मौका मिल गया पढ़ने के लिए। तो बड़ा खुश थी, मैं कहा चलो भाई। तो देखो भाई, पीजी की लड़कियों के पास सच में समय बड़ा कम रहता है, ऑलमोस्ट अब यूजी के बाद लोग हमारी सोसाइटी में लड़कियों की शादी के पीछे पड़ जाते हैं। तो